बख्शिश कर रहे हैं गुरु नानक पातशाह की शब्द राणी धनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद दूजे घर गाया जाने वाला ये शब्द है जो अष्टपदी के रूप में है। अष्टपदी का अर्थ है अठ पदियां वाला शब्द। ये शब्द जिमें सुखमनी साहब है उस अष्टपदी शुरू होंगी अष्टपदी का मतलब अठ पदियां वाला शब्द। चौपदा है चार पदियां वाला शब्द। पंचपदा है पंच पदियां वाला शब्द। गुरदा है दो पदियां वाला शब्द। इस तरह ये शब्दों का आरंभ के महाराज ने इशारा किया है एको अंकार सतगुर प्रसाद। मंगल है एक अकाल पुरख परमेश्वर जो हर थान हाजिर नाजर है सब थाई व्यापक है जिथे याद करो उत्थे ही हाजिर है। कट कट दे विच व्यापिया हुआ है। वही सारी सृष्टि को बनाने वाला है। वही इसकी पालना करने वाला है। वही इसका नाश करने वाला है। वो वाहिगुरु परमेश्वर जो है सत है। उसकी मोल है सदा ही है सदा ही रहेगा। गुरप्रसाद गुरु की कृपा के नाल उसकी सोची होती है। वो ज्ञान का सोमा भी है कृपालू भी है दया भी करता है। गुरसागर रतनी पर पूरे अमृत संत जुगे हैं नहीं दूरे। गुरु सागर है। सागर समुद्र में कहते हैं। तुलना दी है उपमा दी है महाराज ने कि गुरु दे विच किन्नी समर्था है। सतगुरु जी ने इस तरह ही गुरु नूं हवा वांग भी कहा है। पवन गुरु पवन नूं गुरु भी कहा है। जिवें हवा जिहड़ी है ये सारे वास्ते ही है। कोई गरीब है कोई अमीर है बादशाह है चाहे प्रजा है किसी भी जात का है किसी भी धर्म का है इस विच साह लैंदा है। पवन ने कभी किसी ने नहीं कहा किसी किस्म का कभी विखरा नहीं किया है कि मैं एदे वास्ते हाँ। पवन सारे वास्ते है। होर चीज़ा जुटिया हो जाए हैं देखो इस हवा में तो सारे साह लेंगे हैं। हवा कदे जुटी नहीं होती है। हर एक दे अंदर जाती है हर एक दे अंदरों निकलती है। आप जिथे भी हाँ उत्थे पता नहीं किन्ने क लोग हैं तो किन्ने अपने अंदरों साह कढ़ते हैं। इस करके हवा सारे वास्ते है। हवा वांग गुरु का सुभा है। दूसरी उपमा दिती है सूरज की। सूरज किसी एक वास्ते नहीं है किसी एक कौम वास्ते नहीं है किसी एक देश वास्ते नहीं है। सूरज किसी एक जाति वास्ते नहीं है किसी एक वर्ण वास्ते नहीं है। ये राजे वास्ते भी है प्रजा वास्ते भी है गरीब वास्ते भी है अमीर वास्ते भी है किसी भी जात का हो। इसने धुप चान सारे ने देना है। सूरज कदे विकरा नहीं करता ना ही हवा में कोई अपने वस में कर सकता है। दुनिया दी चीज़ां धरती मल सकता है तकड़ा देश लेकिन हवा को नहीं मार सकता है। इस तरह एक तगड़े तो तगड़ा देश जो दुनिया में है वह यह नहीं कह सकता कि सूरज साडा है। असं जी करे किसी देश में इसका चानन दिए या ना दिए सूरज सारे वास्ते है। ये परमात्मा ने भी कोई कैसी खेड रखी है। इस करके गुरु महाराज उपमा ही सूरज ते हवा दे नाल गुरु दिंदे हन या सागर नाल दिंदे हन। सागर ते सारी दुनिया जाती है। सागर कदे किसी नाल विकरा नहीं करता है। एक होर खूबी है सागर की इसके अंदर बड़िया ही कीमती चीज़ा हीरे जवाहरात मोती जड़े हैं ये सागर के विचों ही समुद्र के विचों निकलते हैं। जो हर पूर्णमाशी में जवाहर भाटा आता है समुद्र विशाल आता है कई कई पर उच्चिया लहर उठदिया हैं उन्होंने लहरों के नाल
इसकी तह तो बहुत ही कीमती वस्तुआं जड़ियां हैं वो बाहर आ जाती हैं। जदों लहरां वापस मुड़ती हैं तो वह धरती से पड़िया हुई चीज़ों को चुक के लाए के आते हैं। दूसरा जिहड़े टुब्बी लाउण दे समर्थ हैं समुद्र के जिन्हों का दम पक्का है लम्मी टुब्बी ला सकते हैं वह सागर के विच वड़ के सागर के अंदर टुब्बी ला के बड़िया ही कीमती चीज़ा कड़ कड़ के लाते हैं फिर वो बाहर लिया के लोगों को देते हैं उसके पैसे वटते हैं तो इस तरह वो अमीर हो जाते हैं। महाराज कहते गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि गुरु सागर है ये रत्ना नाल भरपूर है रतन जवाहरात माणक सारा कुछ ये दे विच है। सो जिन्हियां कीमती चीज़ा हैं वो सारिया ही हैं पर इन कीमती चीज़ा इस सागर तो गुरु ग्रंथ साहिब रूपी सागर तो कि प्राप्त कर सकता है अमृत संत चुगह नहीं दूरे चुगह देते विश्राम लाओ इसके अंदर अमृत भी है आत्मक रस देने वाला अमृत भी इस समुद्र के विच है और एक पुरातन साखी भी है कि देवत्या ते दैंता ने रल के समेर पर्वत को मदाना बना के इसनों रिड़किया इस विच 14 रतन चढ़े सन। सो इन्हां विच एक अमृत भी सी और अमृत जिहड़ा है वह विष्णु जी ने देवत्या नूं दित्ता सी। एक शराब भी सी शराब दैंता नूं दे दित्ती कि पी के आप से लड़ते मरते रहन। सो गुरु के प्यार वाले जिन्हां नूं संत कहा जाता है जिन्हां ने अपने आप नूं साध लिया है गुरु के वचनां के अनुसार या जिन्हां के हिरदे दे विच गुरु का वचन वस गया है वह गुरु के प्यार वाले इस गुरु ग्रंथ साहिब रूपी सागर के विचों इन्हां रतनां नूं अपनी सुरत रूपी चुंझ के नाल चुणदे हैं। चुणना कैसे है अपनी सुरती नाल ध्यान दे नाल। सो जिन्ना किसी का पक्का दम है उन्नी डूंगी टुब्बी ला के गुरु ग्रंथ साहिब रूपी समुद्र के कीमती तो कीमती चीज़ लिया सकता है। भाव जिन्ना डूंगियाई दे नाल गुरबाणी पढ़ेगा जिन्ना होर विचार विचार के पढ़ेगा तो उन्ना ही इसमें कीमती तो कीमती रतन विचों पड़ेगा जिसका किसने बार जिसने कभी सुनिया भी नहीं होता यह कीमती जो गुण हैं यह कीमती चीज़ा हैं इन ताकत हैं इन कीमती ताकत वाली चीज़ा हैं वो सारा कुछ इसमें मिलेगा नहीं दूरे उन्हों तो ये चीज़ा दूर नहीं हैं जो संत हैं पर जो गुरु के प्यार वाले हैं जिन्होंने गुरु संत कौन है जिसने गुरु नूं अपना आपा समर्पण कर दिता है कि मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लगता है मेरा नहीं कुछ है सब कुछ तेरा ही तेरा है। फिर गुरु इस तरह के सब कुछ ही उसका ही बना देता है गुरु के आसरे होने करके हर तरह के डर तो मुक्त हो जाता है उसका मौत का डर भी जड़ा है वह खत्म हो जाता है। अजिहे इंसान संत कहा गया है अजिहे रब के प्यारे ये गुरु ग्रंथ साहिब रूपी सागर के विचों इसनों गुरु ग्रंथ साहिब थाल भी कहा थाल विच तीन वस्तु पई सत संतोख विचार थाल भी कहा साढ़े सामने परोस के भोजन के नाल महाराज ने थाल रखा इस थाल के महाराज ने दसिया है कि तीन वस्तुआं पाइया हैं थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम खा छा पयो इसका सब सदार जे को खावै जे को पुंजै इसका हुए उदार ए वस्त जी ने जाई नित नित रख पुरता ए थाल ढकिया हुआ है साडे सामने रखा है परमाले पा के सजाया हुआ है सजा के थाल लियांदे हन खाण वास्ते जो लियांदे हन फिर उत्ते सुंदर माले पाए हुए हैं सुंदर सिंघासन दे उत्ते है उच्चे थान देते हैं इस देव जो वस्तु जी रखी हैं
जिन्ना चिर आप वेखांगे नहीं तो रुमाल नहीं चुकांगे, सानू की पता लगे थाल की है किहड़ा भोजन खाण वाला है किहड़ा नहीं। जे इंज ये ढकिया ही रहेगा तो फिर तो ये थाल का कोई लाभ नहीं ना होगा, इस तो जो भोजन ही ना खाने को सानू मिलिया ना खादा ही फिर की फायदा होगा। इस करके इस थाल तो ये पर्दा चुक के कपड़ा चुक के इस भोजन में वेखना है किहड़ा किहड़ा है सत संतोख विचार सत है नाम है। इसलिए सत सत उच्चे आचरण में भी कहते हैं महाराज ने गुरसिख को अपना उच्चा आचरण रखने की क्या है। देख पराइया चंगिया मावं भैन तीया जाने अपने अखा के नाल जो वेखदा है तो इस तरह समझा कर जे मैं अपनी मावं देखता हाँ जिमें धिया वेखता हाँ जो भैनों वेखता जो मैं जिम्मे अपने प्यो वेखता हाँ वेखती हाँ अपनी भैन अपने भरा वेखती हाँ अपने पुत्र मद दृष्टि दखा च नहीं होनी चाहिए इन सत कह। दूसरा है संतोख सबर संतोख वाला जीवन। तीसरा है विचार विचार का अर्थ है ज्ञान किन्ना ज्ञान है गुरु ग्रंथ साहब अजे तक इन्नी खोज लोगों ने की है अजे तक इस ज्ञान का कोई अंत नहीं पा सकता इन्ना अथा ज्ञान है जिन्ना किसी को प्राप्त होता है वह कहता है कि अजे तो मैं किणका मात्र ही प्राप्त किया है इन्ना अथा सागर है। ये तो हो गई वस्तुआं जिमें दाल रख ली सब्जी रख ली तो नाल होर रख ली चीज तीन चार चीज़ा रख लिया पर एक वस्तु है वो है अमृत नाम रोटी होंगी है। आप नहीं कहते कदे भी कि मैं भोजन ये नहीं कहते कि मैं सब्जी खाने लगा कभी ये नहीं आप कहते कि असी थाली में पई हुई आ जो वस्तु है ये स्वीट डिश है मैं ये खाने लगा हाँ नहीं अस कहते मैं रोटी खावा। सो रोटी मुख है थाल दे रोटी मुख है वो की है अमृत नाम। ये अमृत नाम जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है इस अमृत नूं वेले जिहड़े हन इस नूं पींदे हन जे को खावे जे को जिहड़ा भी इस भोजन नूं छकदा है तीन चीज़ां दे नाल पाव नाम नूं सत संतोख दे विच रह के गुरु दे ज्ञान दे प्रकाश विच रह के जो जपदा है ध्यानदा है उसनों इस भोजन का आनंद आता है। और आनंद भी अजिहा आता है जिस वर्गा कोई भी दुनियावी भोजन नहीं है। महाराज कहते हैं कि रब दे प्यारे इस भोजन को खाते हैं हर रस चोग चुक हैं प्रभ पावे इस चोग को चुगते हैं अपनी सुरत नाल पाप गुरु के शब्द को पकड़ते हैं अपनी सुरती। महाराज ने जिहड़ा सिखी का महल खड़ा किया है ना वह है शब्द ते सुरत दे सदे ते सुरत शब्द भाव सागर दाइए नाम नाम नाल शब्द गुरु है ते जिहड़ी सुरती है ये चेला है। गुरु की है गुरु का शब्द है बाणी है ते जिहड़ा साडा ध्यान जुड़ता है सुरती जुड़ती है ये चेला है। देखो शरीर करके गुरु ग्रंथ साहिब जी इत्थे हन शरीर करके असं देते हैं पर जो सा ध्यान कितने हो रहा है घर बैठा है किसी होर काम के है यद मतलब कि असी गुरु के कोल होंद ही गए हाजिर सुरती साड़ी कितने होर तुरी फिरती है जो सुरती होर तुरी फिरती है तो मिलाप किमें होगा। इस करके मुख गल ये है कि गुरु के शब्द की हजूरी में अपनी सुरती को ध्यान रखना है ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਹਨ मान सरोवर भी क्या है अपने संस देश के मान सरोवर है जिस देरी मोती निकल रहे
हंसा हीरा मोती चुगना पर जगह पा दिंदा है। हंस जिहड़े हन उस स्थान ते जांदे हन, अमृत सरोवर ते जांदे हन जिथे हीरे जवाहरात हैं, पर बगले छपरियां जांदे हन उत्थे गड्डियां मछियां नहीं हन। बगले जिहड़े हन पर गड्डियां मछियां खाण वास्ते ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋਹਰਾਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਚੁਗਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੰਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੀਰਾ, ਗੁਰਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਬਗ ਬਕੜਾ ਛਪੜੀ ਨਹਾਏ, ਕੀਚੜ ਡੁੱਬੇ ਮਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਬਗ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਛਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਡੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਝਪਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕੀਚੜ ਡੁੱਬੇ ਮਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਧੂਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਕੜ ਹੋਰ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਰੱਖ ਰੱਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਦੁਰਦਾ ਛੁੱਟ ਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਧਮਕਜੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਠੀ ਸੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਦਾ ਛੁੱਟ ਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
उसका भी आप आकार नहीं बना सकते, यह रब है। वाहे मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुरु रखे। अजे हंस बिरती वाले गुरसिख जड़े हैं वह हरि नाम का रस चखते हैं, गुरु शब्द का रस चखते हैं। रस है गुरबाणी च रस है, बाणी अमृत सारे मारे एक रस नहीं, हर तरह का रस है। बाणी पढ़ते पढ़ते यहोजी बाणी आते हैं बंदे वीर रस आ जाता है, अंदर शब्द पढ़ते पढ़ते वीर रस आ जाता है, लुकड़े हो जाते हैं। तो बाणी पढ़ते पढ़ते करना रस आ जाता है, बंदा रोन लग पैंदा है, बाणी पढ़ते पढ़ते ही रोना आ जाता है, अखा जो अथरू बह जाते हैं। हर तरह का रस है गुरबाणी के। सो मारे कहते कि रब के प्यार वाले जड़े हैं वह दुविधा छड़ देंगे आत्मक रस में चखते हैं, जिसका सदका गुरु उन्होंने आने जाने के चक्कर तो जन्म मरण के चक्कर तो बचा लेता है। सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सह समाए। हंस जड़े हैं इस सरोवर में नहीं छद बड़े लोग बेगन पाने वाले कहने के तेन तो होर काम नहीं है, भज के जाके गुरुद्वारे जाके भजन की करना उसे की है। रुकने वाले बड़े कई यहोजे साडे बने बैठे हैं, अपने महात्मा पाते हैं कहते गुरुद्वारे जाके करना है, बाणी ना पढ़िया करो, बाणी पढ़ के तुम की मिले हम तक कराए पाने वाले बहुत हैं। पर जो हंस बिरती वाला गुरसिख है उसने जिन्ना को जी चाहे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पता है मैं जो मैनू खुराक इतों मिलती है वो कितने होर नहीं है, मैं कदे नहीं छड़ता। प्रेम भगत कर सह समाए, प्रेमा भगती रहिंदा होया सहज नाल ही गुरु नाल एकमिक होया रहिंदा है। सरवर में हंस हंस में सागर अकथ कथा गुरबचनी हर। कमाल कर दिंदा है मारे कमाल करती है कहते कि जिमें जिमें हंसदा तो इस मान सरोवर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रेम वधदा जाता है, तो यह इस तरह हो जाता है जिमें हम हंस इस सागर से ही रहता है जे इतने नहीं हूं हाजिर शरीर करके सुरती वही इतने रहेगी कि फर्ज कर लो सू बहर दूर जाना पै जाता है तुम चले जाओ। जे तुम गुरु का प्यार है ना तुम उत्थे बैठे भी सोचते रहोगे अज उ पता नहीं की गलबात होंगी होनी की कहोजा शब्द पढ़िया जा कि शब्द की कथा हो रही होनी है, मैं रह गया अपने अंदर सोच पैदा होती है खिच है और तुम उत्थे बहुता चेर नहीं रह सकते भज के फिर गुरु के थोड़ा हो गए। ये प्यार है गुरु के सिख का। इस तरह हंस का सो सरोवर का संबंध है तो फिर सागर का जो है उस हो जाता है इंज जापता है जे और सागर बूंदे हो जिमें बूंद सागर समा जाती है तो सागर बूंद भी समा जाता है, उन्होंने कोई भिन्न नहीं कर सकता वक्रे नहीं कर सकता। इस तरह गुरसिख गुरु में समा जाता है, गुरु सिख में समा जाता है, एक मिनट हो जाता है। अकथ कथा गुरु बचनी आदर यह अकथ कथा है, जड़िया गल्ला महाराज ने दसिया ने शब्द रहे अकथ कथा है, समझने बड़ा औखा है। गुरु की बचना गुरु के बचना जे विचार विचार के आप अगे तुरंगे तो सानू भी आदर मिलेगा, मार्ग का आदर सत्कार मिलेगा, इतें ही नहीं बाहर ही नहीं गुरु के दर गुरु की संगत में। सुनो मंडल एक योगी वैसे नार ना पुरख कहो हो कैसे। सुन मंडल साडे शरीर की वो अवस्था जिथे साडे ध्यान में कोई माइक फरना नहीं करता। देखो आप इतने बैठे हैं, इतने बैठे हुए माइक फरने किसी को अपने बच्चे याद आ रहे हैं, किसी को अपने रिश्तेदार याद आ रहे हैं, किसी को अपने दुनियावी काम याद आ रहे हैं। ये जेडे ये सारा माया है, ये माया जित हार विसरा मोह बजाय भाव बजाए माए न क्या माया के पैसे नहीं है ना। जिड़ी चीज साड़ी सुरती इधरों हटा के दूजे पास लाई है वो माया। सो इस जो एक अजि अवस्था गुरु के नाल जुड़ के आती है जिथे
ये माइक गुरने नहीं बनते, केवल गुरु का मन हरि गुरन का बनाया है। ये नहीं कि गुरना नहीं आता, कोई ब्रह्म ज्ञानी के अंदर भी गुरना आता है, वह भी परमकार का गुरना उसके अंदर आता है, गुरने नहीं बनते, मन है ही गुरना है। इस करके ओदे अंदर जिहड़े आउंदा भी है जिहड़ा कोई गुरना है वह माइक नहीं है, दुनिया भी नहीं है कि मैनू इस तों आ फायदा आ जाएगा, फर्क करता है वह रब के नाल होर जुड़न का होगा। एक योगी गुरु का प्यारा हंस बिरती वाला इंसान, नार ना पुर कहो को कैसे, अजिहे हंस बिरती वाले गुरसिख नूं नार ते पुरख का जो भेद है ना, आ स्त्रियां हैं जां पुरश हैं, इन्हां नूं इस पासे बहाड़ो, इन्हां नूं पुरशां नूं इस पासे बहाड़ो, स्त्रियां पुरशां नहीं बह सकदियां, पुरश स्त्रियां नहीं बह सकदे, इस तों उच्ची बिरती पाप उस दा मन जिहड़ा आम आदमी का मन अजिहा वेख के विकारी हुंदा है, भैड़े ख्याल आउंदे हन, पर रब दे प्यारे हंस बिरती वाले दे अंदर अजिहा विचार नहीं आउंदा है, उस दे वास्ते सारे बराबर दिसदे हैं। त्रिकुण जोत रहे दे वधाई सुर नर नाथ सच्ची शरण आए, तिन्ना भवना दे व्यापी हुई जोत विच उहनां दी लिव लगी रहिंदी है हंस बिरती वालिआं दी, ते देव ते जिन्ने भी हन होर मनुख जिन्ने हन नाथ ये सारे ही उस वाहिगुरु परमेश्वर की जो आराधना कर रहे हैं ये भी उसकी शरण में आ जाते हैं। महाराज ने कहा ब्रह्म ज्ञानी को खोजे हैं महेश्वर, महेश्वर शिव जी देवता है, शिवजी वर्गे देवते भी जड़े हैं वो रब के प्यारे हंस बिरती वाले लभते फिरते हैं कि मैनू ते दर्शन हो जाए। आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख पद सहज विचारे, अजिही उच्ची बिरती जिथे आनंद ही आनंद है, जिथे आनंद का समा है, अजिही थान से सुरती जाके कह जाती है, तो वह अनाथा का जो नाथ है उसका आसरा बन जाता है, उसनों सहारा गुरु के शब्द का बन जाता है, जो जिसनों गुरु के सहारा जिमें थम हैं कंधा हैं, ये छत्तां जिहड़ियां उत्ते पईआं ने उन्हां चिर जिन्ना चिर थले कंधा ये मजबूत हैं तो छत्तों में कोई खतरा नहीं है। इस तरह ही साडा मन जे इन गुरु के शब्द का सहारा मिलया तो ये मजबूत है, ये छत मजबूत है, जदों ये कमजोर हो गया जदों ही शब्द ना टुके उदों ही ना टिका है, जो मंदिर को थामे थमन जो गुरु का शब्द मने मंदिर का मन मकान थम जिन्हों में सहारते उसकी छत, इस तरह गुरु का शब्द साडे मन नूं टिका के रखता है। गुरमुख भगत गुरु की शरण में पै पै के भगती करते हैं, सहज में गुरु के हर वेले ही गुरु के विचार मन में उसके अंदर आते रहते हैं। भगत वशर पै काटन हारे हमें मार मेरे पग धर, भगती नाल प्यार करने वाले भगत वशर भगती नाल प्यार करने वाला जो सारे दे भय नूं कटन वाला वाहिगुरु परमेश्वर है, अपनी हमे नूं मार के उस दे चरणों दे विच जदों डिगदे हन तां उसदा ही रूप हो जांदे हन। ब्रह्म ज्ञानी नूं आप परमेश्वर कहे, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार कहे, नानक साध प्रभु ना कोई साधु दा रब दा कोई भेद ही नहीं रह जांदा। जिहड़ा गुरु दे शब्द नाल जुड़ के इस पासे नूं फिर बाकी पासे छक गए सी, अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल माया है, इस तो बिना होर जिन्ने भी जतन हैं मौत चुकाउंदी है, और हर इंसान जदों इस संसार विच आया है ये वाहिगुरु ने लिख दिता है कि तेरी मौत होनी है, भुलना चाहिए ना, इस करके तेन गिणती दे मैं सवास दिते हैं, इन्हों सुसन सबले करने चंगे कमां ला, ये ना हो अजा ही चले जाए मुड़के नहीं, तेन इस तरह का जीवन मुड़के मिलना, जे तू एक बार इसकी बे जिस चीज़ की इंसान बेकदरी करता उसमें दोबारा नहीं मिलती है, जिड़ी चीज़ सानू जिंदगी नहीं ना मिली हो इसका मतलब पिछले जन्म च उसकी बेकदरी की है, उस बेकदरी का फल सानू हुण भुगतना पै रहा है,
जे चीज की असं हूँ बेकदरी करते हैं ये सानू आगाम मिले तरसते रहें इस तरह ही वाहगुरु तो ही इंसान लिखा के आया है वाहगुरु परमेश्वर ने लिख दिता है कि तू हूँ इतने चलिया है संसार कर्म करने वास्ते भेजा है पर वापस भी आना ही बोलना चाहिए जन्म पदार्थ दुविधा खोवे आपन इनस परम परम रोवे अजिहा गुरु का प्यारा हंस व्यक्ति वाला यह सारे ब्रह्म ज्ञानी दिया अवस्था साधु की अवस्था जी है शब्द दसी दी है केवल गुरु के प्यार का प्यार गुरु ना बनता है ये ब्रह्म ज्ञानी जरा है और गुरु विच अपील है फर्क की है फर्क सिर्फ शरीर का है अंदरों एक मिट उही सारे गुण ब्रह्म ज्ञानी विच हन साधु विच हन लेकिन बाहर शरीर उठे उठे जे बाबा प्रकाश जी ब्रह्म ज्ञानी हैं गुरु अर्जन देव जी जिहड़े नाल हैं वो गुरु हैं शरीर दो हैं लेकिन अपील हैं आपस इस तरह गुरु ना अपील हो जाता है अपने अंदरों इस मनुखा जन्म की बाजी जितता है दुबदा न पवा के दुबदा की है कि जो इंसान का एक थान से मन आ के तो वह कहता है मैं फलाने था जाना उत्थे मेरा मन भेजेगा उत्थे नहीं गल बनती फिर होर कि जाना हाँ इस तरह दुनिया भजी फिरती है उत्थे अरदास कर दो उत्थे अरदास उत्थे समझा जाए ऐ दौर दे सारी दुनिया में टिक जा एक थान टिक जा जे गुरु ने सुनी है तो एक थान टिके हुए भी सुन रहे हाँ सब भटकन की लड़ नहीं है सानू महाराज ने ठहराया जिहड़ा गुरु के कोल टिक जाता है गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु हैं तो तुसी कितें हो जाओ ठीक है गुरु स्थान जिहड़े महाराज ने उत्थां दी पूरी यात्रा करो ये नहीं कि रोज तुरे रहो जां तुसी साल बाद जाओ उत्थे जे तो बिना गुजारा हो सकता है क्यों आप जो संगत च आउंदे हां ये साडी यात्रा है ये गुरु तीर्थ की यात्रा है गुरु तीर्थ गुरपार जा गुरमंस साहिब गुरनहार जिहड़ियां कामनावां उत्थे पूरियां ने इत्थे हो जाणियां इस करके रब दे प्यार वाले दुविधा च निकल जाते हैं एक थान टिकाओ कही जाते हैं आप न जीनस परम परम पर जिहड़े आपे दी पहचान नहीं करते मैं है जिन्हां दे अंदर नहीं नहीं मैं सियाणा हाँ तुहानूं की पता है वो भटकते रहिंदे हन ते रोंदे हन कहतो पढ़तो सुनतो एक तीर ज धर्म धर्मी करके पर हंस व्यक्ति वाले लोग जो हंस संत कहते हैं गुरबाणी के सुहागण क्या है सुहागण संत क्या ब्रह्म ज्ञानी क्या है तो दूसरे व्यक्ति वाले जो हैं उन्होंने मनमुख क्या है रब का प्यारा हंस व्यक्ति वाला रब दिया ही गल्लां कहता है पढ़ तो रब दिया ही गल्लां पढ़ता है सुन तो रब दिया ही गल्लां सुनता है दूजिया गल् उस चंगी नहीं लगे जो दुनियावी गल् सुन तैयार ही नहीं हूँ धक्के भी उसके कन च पाने का जतन भी करे तो उस बंद ध्यान नहीं दिता है धीरज है उसके अंदर धर्म है अपने फर्ज की पहचान है तो धरती का मालिक जो वाहगुरु परमेश्वर है जिसने धरती साजी है फेक उसकी है उस जप सत संजम हृदय समाए चौथे मन चौथे पद को जो मन बढ़िया है आ सारा कुछ करते हैं करते हैं जे मन पती जाए चौथा पद की है देखो जागृत अवस्था है सभी आप जागते हैं सब कुछ देख रहे हैं एक स्वप्न अवस्था है सुपने के असी वेख रहे हैं कुछ ना कुछ तुरे फिरते हैं पर जो जागते हैं सारा कुछ खत्म हो जाता है एक गूढ़ी नींद की अवस्था है इस तो अगली जी सुखोपत अवस्था इस क्या है जागृत सुपन सुखपत तीसरी अवस्था है तीसरी अवस्था सुखोपत जब गूढ़ी नींद आती है जो सानू ना सुपना आता है ना दुनिया का चेता है यहोजी नींद जिदा बंदा मरिया पिया हों जी नींद चौथी की है चौथा पद तुरिया अवस्था हंस व्यक्ति वाले तुरिया अवस्था चल रहे हैं जिथे
ना तो सुपने वाली दुनिया है ना ही सुख पत पूरी नींद वाली अवस्था है, वो जागता है लेकिन जागते हमें उसके सत्य गुरु के शब्द जुड़ी हुई है, उसका ध्यान गुरु देव से जुड़ा है। ये चौथी अवस्था है, इस अवस्था के विच वो विचरते हैं जप सत संजम आदि गुण हिरदे च वसाउंदे हैं। सच है निर्मल मैल ना लागा है, गुर का शब्द परम पावक है। सच है, सच दे नाल जुड़े हुए जिहड़े हैं निर्मल हो गए, जिहड़ा निर्मल है वो निर्मल नूं मिलेगा तो निर्मल ही रहेगा, लिपड़ेगा कदों गंदा कदों जदों मैले नूं मिलेगा। जदों आपां गुरु की संगत आउंदे हाँ, गुरु की बाणी नूं पढ़ते समझते हैं, ये निर्मल है, सब कुछ संगत भी निर्मल है, गुरु की बाणी भी निर्मल है, तो असीं भी निर्मल रहिंदे हाँ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਭੈੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੈਲੇ ਹਨ, ਮੈਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਪੈ ਹੈ ਭਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦਿ ਅਨੁਕ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਚੇ ਸਾਚ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਅਨੁਕ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਰਤ, ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਰੋ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁਣਾ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਚਾਚਾ ਸੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੁਹਾਗਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਚੰਗੇ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਆ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਠਾ ਪਾਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ